अब मुझे बताया जी, थले वाले ज्यादा सोने लग रही है या उते वाले जिनका जब दिल करता है वो खराब रहते हैं, और ब्लैक लाइट के ऊपर आए हुए हैं, ये चेक करें या कोई यहाँ पे फ्रेश डाला नजर आता है। बैरियर ही उसके आगे कर देते हैं, फुल टाइम ये चंडो चंडी हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से टीम फोर के की तरफ से आप लोगों की मैं हाजिर हैं, और अभी हम जूते अपने शाही चूल्हे के ऊपर जिसके ऊपर हम पैके दी चूल्हा चूलते हैं। और आज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हमारे प्रोजेक्ट जनाजे से जान छूट चुकी है, क्योंकि प्रोजेक्ट जनाजा हमने भेजा इलेक्ट्रिशियन के पास वायरिंग शेयरिंग वाले काम के लिए। अब जो इंजन बे वाली वायरिंग थी वो इलेक्ट्रिशियन ने दस्ती करके साइड पर छुट्टी है, लेकिन जो डैशबोर्ड के नीचे वाली वायरिंग खुली है ना, तो वायरिंग के साथ ही उसका जी बड़ा खाता भी खुल चुका है, क्योंकि वायरिंग की बहुत नाजुक सूरत हाल है, तो उस काम को 3 से 4 दिन और लेंगे। लेकिन ये जो देर है ये हमारे लिए एक किस्म की ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ है, क्योंकि काफ़ी देर से प्रोजेक्ट जनाजे की वजह से मैं अपनी बाकी दोनों गाड़ियों को टाइम नहीं दे पा रहा था। बाकी दोनों गाड़ियां कौन सी, तो अब्बा जी कैचर भी 16 KV चिल्ले सी फॉर यू और दूसरी अच्छी ब्लैक फॉर यू। और एचर की जैसे मुझे हमारी बड़ी चिड़कियां भी पड़ती रहती हैं कि अपनी गाड़ी तुमने फुल टाइम लशपश करके दो दिल वाले कफन के अंदर दफन की होती है, लेकिन एचर को तुमने ऐसे समझा जैसे फ्री की गाड़ी आई हो। रोज माली आता है एचर को साफ करने के लिए, अब जब वो अपने पौधों शौधों को पानी छानी दे रहा होता है ना, तो जी थोड़ा बहुत एचर के ऊपर भी छूट देता है और बाद में जी फ्रेश टाकी शाकी मारता है, जिसकी वजह से आप चेक करते हैं गाड़ी हमारी यहाँ पे जी फुल टाइम लशपश खड़ी हुई है। लेकिन जिस तरह मैं एक माली का काम नहीं कर सकता, उसी तरह एक माली सही तरह गाड़ी भी साफ कर सकता है, ये तो उसकी भाई साहब मेहरबानी है कि पौधों शौधों को पानी देने आता है, तो साथ ही हमारी गाड़ी भी साफ कर देता है। लेकिन आज आपका भरा जी एचआरवी को डी टाकी मारेगा, डी टाकी बोलते हो जी, डिटेल टाकी मारेगा और उसको जी अंदर बाहर से फुल टाइम लशपश करके रख देगा। अब काफी देर से मेरे पास कुछ चीजें मीजियां पड़ी हुई थी जो कि मैंने एचआरवी के अंदर और अच्छी ब्लैक के अंदर इंस्टॉल करनी थी, लेकिन मैं नहीं कर पाया था क्योंकि जी टाइम नहीं मिलता। प्रोजेक्ट जनाजे ने हमारा जीना हराम करके रखा था, लेकिन आज हमारी प्रोजेक्ट जनाजे जान छूट चुकी है, आज हमें टाइम मिल चुका है। तो आज जितनी भी चीजें मीजियां सारी की सारी हम दोनों गाड़ियों के अंदर इंस्टॉल कर देंगे, और जितनी भी चीजें ना सारी सस्ती चीजें, कोई बहुत महंगी चीजें नहीं है, मेरे ख्याल में 1000 या 1500 से ऊपर की कोई भी चीज नहीं है इसके अंदर। तो अगर आप भी चाहते हैं अपनी गाड़ी को थोड़ा बहुत मॉडिफाई शॉडिफाई करवाना है, तो आप ये चीजें अपनी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करवा सकते हैं। ऊपर वाला हर किसी को मुफ्त नवाजता है, किसी को ज्यादा देता है, किसी को कम देता है, लेकिन दिल सबके पास होता है, हर किसी का दिल करता है अपनी गाड़ी के साथ छोटे मोटे पंगे शंगे करे, उसको जी मॉडिफाई शॉडिफाई करवाए। अब बात ये नहीं होती कि आप अपनी गाड़ी के साथ कितना महंगा पंगा करें कितना सस्ता पंगा करें, बात उस खुशी की होती है जो अपनी गाड़ी के साथ पंगा करने के बाद आप लोगों के दिल को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्पॉइलर खरीदना है, आपके पास पैसे नहीं, आप स्टूडेंट बंदे हैं, आप जी पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, पैसे इकट्ठे करते रहते हैं, आखिरकार आपके पास इतने पैसे हो रहते हैं कि आप एक स्पॉइलर खरीद पाते हैं। अब जब आप स्पॉइलर खरीदते हैं, सबसे पहले खुशी आपको उस वक्त होती है, दूसरी खुशी आपको कब होती है, जब आप अपनी गाड़ी के ऊपर वो वाला स्पॉइलर लगाते हैं, तब आपको अपने ऊपर फखर महसूस होता है, हाँ भाई मैंने फैसला किया था मैं अपनी गाड़ी के ऊपर ये चीज लगा के दिखाऊंगा, मैंने उस चीज की मेहनत की है, और आखिरकार जो मेरी मेहनत थी वो रंग लेके आई है, जो मैंने बाहर की थी ना वो मैंने पूरी करके दिखाई, मैंने अपनी गाड़ी के ऊपर वो चीज लगा के दिखाई है। इससे होता क्या, आपका अपने ऊपर एक यकीन बनता है, आपका अपने ऊपर एक अतबार बनता है। जो बंदा इस तरह मेहनत करके आज एक स्पॉइलर खरीद सकता है ना, वो कल मेहनत करके V8 भी खरीद सकता है, और जिस बंदे का अपने ऊपर यकीन बन जाए ना, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। हैशटैग मोटिवेशनल टाइम भी था जी साहब। तो आइए सारी चीजें उठाते हैं और जाकर अपनी गाड़ी शाड़ियों के अंदर फिट शीट करते हैं जाके। और अब हम मौजूद है अपनी वर्कशॉप में, वर्कशॉप बोले तो अपने गैराज के अंदर मौजूद है, जहां जी हम गाड़ियां खोल खा के रख देते हैं। सबसे पहले आप चेक करते हैं अच्छी ब्लैक अपने दो जिलों वाले कवर के अंदर दफन है, उसके बाद अब्बा जी कैचर भी यहाँ पे जी लशपश चमक रही है, मौसम की सूरत हाल पे तो हमेशा की तरह जी तपती तपती धूप निकली हुई है, लेकिन जी डोंट टेक टेंशन स्मोक बेंसन, अब तो आदत सी है मुझको यूं गर्मी में फिरने की। जितनी भी चीजियां मिली हैं उनके अंदर हम मियाना रवि इख्तियार करेंगे, दो चीजें ये वाली ये हम एचआरवी के अंदर इंस्टॉल करेंगे, और जो बाकी दो चीजें ये हम हफ्शी ब्लैक के अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले ये दोनों चीजें चुकते हैं और बगैर किसी देर के जी अब्बा जी के एचआरवी के बीच होते हैं, बस 16 KV एंड चिल एसी, और रात को हम ट्रैक की तरफ प्रवास करेंगे। अभी जरा पहले इसके कार शाम कर दें, रात को जरा ट्रैक का चक्कर शक्कर मार के आते हैं, देखते हैं भाई साहब ट्रैक के जो हालात हैं वो सही हुए हैं। एचआरवी के अंदर एंटर होते साथ ही हमें एक मसला नजर आया, कहाँ नजर आया, तो ऊपर नहीं थले नजर आया, थले आप चेक करते हैं इसकी जो रबर है उसका जी वो 7 अप हो गई जी। वट इज़ दिस बिहेवियर पूजा, ये जो क्लिप है इसने यहाँ से हमारी रबर ही काट के रख दिया, इसका हम कोई बाद में हल निकालेंगे। उसके अलावा जो सामने वाला क्लिप है ए जी टूडा हो गया, इसकी क्लक तो नहीं कहाँ गायब हो गई है, तो इसको फिलहाल अभी हम यहाँ पे दोबारा अटका देंगे। सबसे पहले हमने गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करनी है जी एटमोस्फेरिक लाइट्स बोले तो जी डिस्को लाइटें फॉर यू, बाकी बातें बाद में, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ चेक करवाऊंगा कि हमारी जो डिस्को लाइटें हैं उसका जी वो भी पुश स्टार्ट बटन के साथ आई हैं, ये चेक करें जी फुल टाइम शुष्का लाइफ स्टाइल फॉर यू। अब ये जो एटमोस्फेरिक लाइट्स हैं ये इंस्टॉल करना भाई साहब वेरी इजी, मैं कहता किसी 2 क्लास के बच्चे को भी दे दें आप ये लाइट्स, वो भी आपकी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल कर देगा। सिर्फ 3 काम आपने करने हैं, सबसे पहले जो आपको ये 4 लाइटें नजर आ रही हैं, एक आपने इधर फिट कर देनी है, दूसरी आपने इधर थले फिट कर देनी है, तीसरी आपने इतने फिट कर देनी है, और चौथी आपने इतने फिट कर देनी है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा काम है वो है जी इस वायरिंग को छुपाना, और जो तीसरा काम है ये जो हमारा पुश स्टार्ट स्विच है इसको आपने जी लेटर वाले स्विच के अंदर जी फिट करके ए करन दियो, जरा ए हो गया तो ए बटन दबाना है उस्ताद जी, तो कौन चला गया उस्ताद जी, तो लगता भी स्कैम हो गया, साड़ी तो लाइटें नहीं जा रही हैं, रुको जरा तेरी ये तो कैमरा पकड़ के कम भी नहीं आते, ओ उस्ताद जी गड्डी बंद है उन्हें कि अंब चलना, बिग लॉस
हाँ जी, और देख भाई खैर टेंशन नहीं लेनी जी, बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन ये जो बात ना उस्ताद जी वड्डी हो गई है। एक बार फिर पेट्रोल निश्ता सीधा दिल में जाकर बजता है पेट्रोल। अब जरा आपको मैं इन लाइट्स की इंस्टॉलेशन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने लाइटें गाड़ी से बाहर निकाल देनी है। अब ये जो छोटी तारों वाली हैं ये आपके आगे लगेंगी, और ये जो लंबी वाली हैं ये आपके पीछे लगेंगे। उसके बाद आपने अपनी गाड़ी के अंदर जी फुल टैंक कमांडो एक्शन करना है। आपने जी नीचे लंबे पाड़ देना है, और कोई ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पर लाइट लगाई जाए तो वो ऊपर से नजर ना आए। सिर्फ लाइट जो हो आपकी वो आपके पाँव पर जाके लगे, लेकिन आपको ऊपर से लाइट जलती हुई नजर ना आए, क्योंकि जब ऊपर से जलती हुई नजर आएगा ना बड़ी पैड़ी किस्म की लगती है कसमें। अब नीचे देखा जाए तो एक जगह ये है, इसके ऊपर हम लगा सकते हैं, या फिर मैं थोड़ा और नीचे चौंकी मार के देता हूँ, शायद मुझे कोई और जगह शक नजर आ जाए। अब आपके भाई ने फुल टाइम जी नीचे लंबे पैक के कमांडो एक्शन किया, हर एंगल से जी मैं कनिया कुनिया खा के नीचे जायजा जुजा किया, लेकिन इस लोहे के डंडे तो ज्यादा मुझे कोई लोकेशन सूटेबल नहीं मिली। सिंगल साइड वाली लाइट ये हम यहाँ पिस्ते करके फिट कर देंगे, लेकिन सिर्फ डबल टेप के साथ फिट नहीं करेंगे, हम साथ में दो अदर जिपलाइज भी इस्तेमाल करेंगे, ताकि जो हमारा काम है वो जो फुल टाइम लकड़ा एकदम पत्थर एकदम हो। एक साइड की मैंने फिटिंग कर दी है, फिटिंग आप चेक कर सकते हैं। इस लोहे के डंडे के ऊपर हमने अपने लाइट फिट कर दी है डबल टेप के साथ भी, और तीन अदर मैंने साथ में जिपलाइज भी लगा दी है एहतियातन। अब जो हमारी वायरिंग है उसको जी मैंने फुल टाइम यहाँ पे कमांडो एक्शन कराते हुए छुपाते छुपाते कंसोल के पीछे ले गया हूँ, और ये जितना भी वायरिंग का गांछ है ना ये सारा का सारा कंसोल के पीछे आएगा, आपको वायरिंग इंशाल्लाह नजर नहीं आएगी। अब इस साइड की हमने निकाल लिया, अब जरा दूसरी साइड पे चलते हैं। पैसेंजर साइड पे मुझे ये ग्लव बॉक्स के नीचे करके ये वाली लोकेशन अच्छी लगी है, यहाँ पे हम ऐसे करके लाइट लगा देंगे तो ये ऊपर से नजर भी नहीं आएगी, आप चेक कर सकते हैं। और जो हमारा ग्लव बॉक्स होगा वो भी बगैर किसी मसले के खुल के बंद हो सकता है, ये चेक कर लो। तो ये हमने इस तरह करके फिट कर दी है, ग्लव कंपार्टमेंट हम खोलते हैं बंद करते हैं, इसको टच वगैरह भी नहीं होती और एक उत्तर नजर भी नहीं आती। अब जरा बैक वाली जो लाइट्स है उनकी वायरिंग शेयरिंग करते हैं। तो इसकी जो वायरिंग है वो हम कंसोल के नीचे से करके इस तरह करके छुपाते हुए लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ से आ रही बैक वाली लाइट्स, फिर यहाँ से जाके हम जो वायरिंग है उसको हम सीट के नीचे कर देंगे, ठीक है। फिर सीट के नीचे करके हम इसको फिट करेंगे, आपको मैं जरा बैक पे जाके दिखाता हूँ। बैक लाइट्स की जो फिटिंग है वो आपने सीट के नीचे करके करनी है, यहाँ पे करके जो वायरिंग शेयरिंग है वो सारी की सारी मैंने कंसोल के अंदर छुपा दी है। मैंने आपको बता दी किस तरह छुपानी है, एक बार जरा मैं दोनों साइडों की वायरिंग कर लूँ, फिर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मैंने कैसे करके दोनों साइड्स की वायरिंग छुपाई है। आपके पुराने अब्बा जी कैचर भी के अंदर डिस्को लाइट्स की फिटिंग कर दी, और कोई बंदा देख के बता नहीं सकता किस गाड़ी के अंदर एटमॉस्फेरिक लाइट्स लगी हुई है, क्योंकि ना आपको लाइटें नजर आ रही हैं और ना ही आपको उनकी वायरिंग नजर आ रही है, क्योंकि जितनी भी लाइटें शाइटें थी वो आपके पुराने जी फुल थल्ले करके लगाई हैं। ये देखो जी, उसके अलावा जो वायरिंग शेयरिंग थी सारी की सारी मैं बॉडी के साथ लेके गया हूँ, और कंसोल के पीछे मैंने छुपा दी है। जो बैक की वायरिंग थी वो मैंने शुरू ही कंसोल के नीचे से की है, कंसोल के नीचे से शुरू करके यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। यहाँ पे आके जो उनको मैं कन्नी मरवाई है, कन्नी मरवा के सीट्स के नीचे लेके गया हूं, और सीट्स के नीचे करके मैंने लाइट्स की फिटिंग कर दी है। अभी दिन का वेला है तो इस वजह से आपको लाइटें सही तरह लश्कारे मारते हुए फुल टाइम भी छम छम चमकते हुए नजर नहीं आएंगी। एक बार रात का वेला हो जाए फिर मैं आपको लाइट्स का भी फुल टाइम भी हैवी किस्म का गेड़ा करवाऊंगा, उतनी देर जो हमारे बाकी शाकी काम रहते हैं हम सारे के सारे वो कर लेते हैं। अब जी कैचर वीक के अंदर जो हमने दूसरी चीज इंस्टॉल करनी थी हमने वो भी कर ली, रॉकस्टर वाले फ्रेश परफ्यूम कार्ड हमने इंस्टॉल किए हैं। ये जी आपकी गाड़ी के अंदर खूबसूरत महक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इनकी मशहूरी वगैरह जो थी ना वो मैंने पहले इंस्टाग्राम पर कर दी थी, तो वीडियो में दोबारा करने की तुक नहीं बनती। जिनमें हमने काम शाम करने थे, जिनमें हमने चीजें मीजें लगाई थी गाड़ी के अंदर, हमने सारी लगा लिया, पीछे सिर्फ एक काम रह गया और वो है जी गाड़ी को फ्रेश टाकी मारना। लेकिन ये फ्रेश टाकी मारने वाला काम जो है ना बड़ी मेहनत वाला काम है, इस वजह से ये हम काम सबसे एंड पे करेंगे, उतनी देर हम फिर अब अफशी ब्लैक को जुड़ जाते हैं। सबसे पहले अफशी ब्लैक उसके दो जिलों वाले कफर में से अंदफन करते हैं। अफशी ब्लैक के भी अब्बा जी कैचरवे की तरह छोटे मोटे काम है, बड़ा काम कोई नहीं है। सबसे पहले इसकी जो बैक लाइट्स है उसके हमने इंडिकेटर बल्ब चेंज कर देना है, क्योंकि अभी 1900 डूड हमारे के अंदर बल्ब लगे हुए हैं जिनका जब दिल करता है वो खराब रहते हैं, और रात के टाइम वो सही तरह जगमा जगमा करके चमकते भी नहीं है। तो उनकी जगह हम इंस्टॉल करेंगे जी फ्रेश नवे एलईडी बल्ब फॉर यू, और एक बार मैं जरा इंस्टॉल कर लूँ उसके बाद आपको मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन में दिखाऊंगा। एक जगह पे मैं पुराने बल्ब लगे रहने दूंगा और दूसरी साइड पे मैं नए एलईडी बल्ब लगाऊंगा, और फिर मैं आपको दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करवाता हूं। बैक लाइट्स के अंदर इंडिकेटर बल्ब फिट करना भाई साहब वेरी इजी। सबसे पहले अपनी गाड़ी की जी विच खड़ी चोना डिग्गी खोले अपनी और गड्डी के विच हो जाए। विच होने के बाद जी आपने अपनी पुट्ठी दिशा पे देखना है थल्ले करके। थल्ले आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे जी हल्की सी टैची नजर आएगी। टैची आपने जी आई से करके बाहर खोलनी है, आपको बीच में फिर इंडिकेटर वाला होल्डर नजर आएगा बल्ब का। आपने इसको ऐसे करके घुमाना है इस दिशा में, और इसको जी आई से करके बाहर निकाल देना है। बल्ब को आपने हल्का सा थल्ले दबाना है और इसको जी घुमा के तुसी काट लेना बाहर एवं करके, वेरी इजी। उसके बाद तुसी चुकना अपना नवा बल्ब, नवा बल्ब चुक के तुसी पना जी फिर एक बार फिर होल्डर विच, और ये आपका बल्ब इंस्टॉल हो गया। चलो मेरे पुत्र रोशन हो जाए, ये चेक करो जी फुल है भी अन्ना प्रोग्राम। दूसरी साइड का आप चेक कर सकते हैं जी, सादा बल्ब है उसको जरा मैं लाइट के अंदर फिट कर लूँ एक बार, फिर आपको जरा मैं इस तरह पीछे होकर चेक करवाऊंगा दोनों का फर्क। ये आप साइड बाय साइड कंपैरिजन चेक कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे आके मौजूद है जी पुराना बल्ब, और राइट साइड पे आके मौजूद है जी नवा बल्ब। और जी साफ साफ आपको नजर आ रहा है कि जो नवा बल्ब है ना उसकी रोशनी ज्यादा है पुराने बल्ब की निस्बत। अब जिस तरह हमने सीधे आप बल्ब फिट किया उसी तरह दूसरी साइड पे फिट करते हैं। दूसरी साइड का बल्ब बाहर आने के मूड में नहीं था, तो इसके साथ हमें थोड़ी बहुत जोर जबरदस्ती करनी पड़ी है, और आप चेक कर सकते हैं कि जी हमें दो टोटे कर दिए, लेकिन हमने अपना नवा एलईडी बल्ब फिट कर दिया। लो जी एक और काम खत्म, हबशी ब्लैक का सिर्फ एक काम रह गया,
है और वो है डैशबोर्ड के ऊपर जो टीम 4 की नंबर प्लेट पड़ी हुई ना, इसको चेंज करना। अब जब मैंने पिछली बार नंबर प्लेट देखी थी तो धूप के अंदर पड़े रहने की वजह से जी महंगी चिपी होगी थी, लेकिन आज जब मैंने दोबारा देखा तो जी चंगी भली हमारी नंबर प्लेट पड़ी हुई है। और ये देखने के बाद आपके कैंडी के अंदर जी कन्फ्यूजन हो गया, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं पुराने वाले लेके रहने दूँ या फिर जो नई हमें मुर्शिद ने गिफ्ट की थी एनग्रेव टीम 4 की नंबर प्लेट जो कि लेजर कटिंग से उसने बनाई थी सारी की सारी, वो इसके ऊपर लगाऊँ। आपको जरा मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन भी करके दिखाता हूँ पुराने वाले का और नवे वाले का। तो ये चेक करो जी, पुराने वाली साड़ी थले वाली है, नई वाली साड़ी उत्ते वाली है। अब जो पुराने वाली है उसके ऊपर हमने किया हुआ है 5D रैप और ऊपर टीम 4K का लोगो बनवाया हुआ है, लेकिन जो नई वाली है उसके ऊपर भाई साहब जट ब्लैक बैकग्राउंड है और ऊपर टीम 4K का एनग्रेव लोगो बना हुआ है। अब मुझे बताया जी थले वाली ज़्यादा सोने लग रही है या उत्ते वाली, मुझे भी समझ नहीं आ रही मैं कौन सी लगाऊँ कौन सी नहीं लगाऊँ। आप लोग जी कमेंट सेक्शन में अपनी राय में जगह करें। अब्बा जी के एचरवे के अंदर और अपशी ब्लैक के अंदर जितनी भी चीज़ें मीजियाँ लगानी थी हमने सारी सारी लगा दी, अब पीछे सिर्फ एक ही काम रह गया और वो है अब्बा जी के एचरवे को जी फ्रेश टाकी मारना। एक बार इसको हम फ्रेश टाकी छाकी मार लें, उसके बाद फिर हम रात के वेले का इंतजार करेंगे और रात को फिर हम ट्रैक की तरफ प्रवास करेंगे, जाके चेक करते हैं भाई साहब ट्रैक के हालात पहले से बेहतर हुए हैं कि नहीं। I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. Engine maker jo saaf suthrai wala kaam tha wo humne sara ka sara kar diya aur jaisa aap chahte hain engine mein hamara yahan pe ji full time lash pe chamak raha hai. Thodi bahut bhi aapko yahan pe ji mitti chitti nazar nahi aa rahi. Ab jo hamara pehla kaam tha engine bay ki safai karne wala, wo humne सारा का सारा कर लिया, तो आइए दूसरे काम की तरफ चलते हैं। Take this crap from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just इंजन बे का जितना साफ सुथराई वाला काम था और इंटीरियर का जितना साफ सुथराई वाला काम था हमने सारा का सारा कर लिया, पीछे सिर्फ यही काम रह गया। कौन सा काम? तो इसकी जो दरवाजे की रबर पार्टी हुई है इसका हमने जी कोई हल निकालना है। तो सबसे पहले ये जो यहाँ से रबर फटी हुई है इसके ऊपर हम लगाएंगे जी फ्रेश एल्फी फॉर यू, और जो ये क्लिप फटा हुआ है इसकी जगह हम लगाएंगे जी फ्रेश डबल टे फॉर यू। जहाँ से हमारी रबर फटी हुई थी वहाँ पे आपके प्राण जी थोड़ी बहुत एल्फी सेल्फी लगा दी उसके ऊपर, और अब आप चेक कर सकते हैं हमारा जी काम यहाँ पे फुल टाइम टोटल जेन्युइन किस्म का हो गया। अभी जो मोरी आई है हम वापस क्लिप के अंदर फंसा देंगे, उसके अलावा जो हमारा सामने टूटा क्लिप है इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि फिलहाल मेरे पास वक्त के तौर पर कोई एक्स्ट्रा स्पेयर क्लिप नहीं पड़ा हुआ, तो उसकी सपोर्ट के लिए मैंने यहाँ पे लगा दी सारी साइड डबल टेप, ताकि जब हम वापस रबर को लगाएं तो डबल टेप जो होगी वो उसको यहाँ पे सपोर्ट देगी और जो हमारी रबर है वो जी बार बार नीचे नहीं उतरेगी। कपड़ा नहीं यहाँ पे फुल टाइम टोटल जेन्युइन काम करके रख दिया। अब जितनी देर हम एचर भी के और अपशी बिला के काम शाम करते हैं उतनी देर आप चेक कर सकते हैं जी बाहर रात का वेला हो चुका है, तो आए मैं आपको डिस्को लाइटें बाल के उनका गेड़ा करवाता हूँ नेरे विच शशका टाइम फॉर यू। ए चक्रो जी लाइटें जल गई हैं जी फ्रेश स्टार्ट फॉर यू, तो गड्डी होगी साड़ी स्टार्ट फॉर यू। अब जरा मैं आपको लाइटें बाल के चेक करवाता हूँ, तो हम जरा बाहर आ जाए गाड़ी से। ए चक्रो जी रिमोट में पुत्था फटे सी, चल मेरा पुत्र ये वेखो जी लुकिंग वेरी नाइस। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था लाइटें जी हमने फुल टाइम नीचे करके लगाई हैं, अब आप जितना मर्जी थले हो जाएं आपको लाइटें जल्दी भी डायरेक्ट नजर नहीं आएंगे। देखो जी फुल टाइम अगे भी फुल टाइम शशका टाइम, तो बैक पर भी फुल टाइम जी मस्त माहौल फॉर यू। इसके अंदर जी काफ़ी सारी ऑप्शन वगैरह फेड वगैरह और भी काफ़ी चीज़ें मीजी हैं, थोड़े बहुत रंग चेंज चेंज करके देखते हैं। और ए लाल सबस श्यू 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 सबस ये जी फुल टाइम में डिस्को माहौल हो गया। मुझे एटमॉस्फेरिक लाइट्स की ये वाली सेटिंग सबसे मजेदार किस्म की लगी हुई है। कौन सी सेटिंग है? तो इसके अंदर आपके साउंड के लिहाज से जी लाइटें जलती हैं, ये चेक करो जी ये देखो ओए 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 ये वाले बड़े मजे की सेटिंग है, मैं ये वाली रखूंगा। इजाज साहब यहाँ पे जी अपशी ब्लैक लाइट के ऊपर आए हुए हैं, ये चेक करें ना फ्रंट बम्पर है ना रिम है, फ्रेश टप्पियां फॉर यू। इजाज साहब अंदर ऐसे बैठे हुए हैं जैसे जी विंड डीजल बैठा हो, ये देखो जी कितने कितों आवाज आ रही है ने, ये भी टूट हो रहा है, ये देखो गड्डी टूट हो रहा है। बीच पे इसने हमारी शराड़ वाली किट लगाई हुई इसको, ये देखो बैक के ऊपर आए तो बैक के ऊपर जी इसको दो दस स्पाइडर लगाए हुए उन्होंने फैबर, ये भी फैबर, नीचे इन्होंने देसी आरएस लाइट्स की हुई हैं। ये देखो जी जेन्युइन ढोटकी फारी हो, ढोटकी के अंदर लगता है जजला आ गया यहाँ पे नीचे इन्होंने, और मेरी अखा जब धुआं बढ़ गया सारा उसकी एफ आर सेट करवा मामा, कच्चा धुआं मार रही है और किधर किरकर से खड़के आ रहे हैं और जजला आ गया मामा। ओ तुहाडी खैर शीशे की आवाज़ सुनो तुसे, ओ बुए नु बंद कर अब ठीक होया, इसकी आवाज़ है ये देखो यहाँ पे बकरे संतरे बाज रहे हैं। मीटर चेक करो तुसे ईपीएस करवा के आया फ्रेश, ये देखो ए बिग वैरायटी। उस्ताद इंजन कौन सा? G10 कल्टा साला
मामा बोनट खोला, पूरा डैशबोर्ड ऊपर आ गया। ये चेक करें जी, फ्रेश कार्बोरेटर G10 फॉर यू। और अब हम मौजूद अपने फ्रेंड नबीर इस्लाम फ्रॉम एनए परफॉर्मेंस की BRB के अंदर। फुल टाइम यहाँ पे अंडर कवर होकर ट्रैक की तरफ प्रवास कर रहे हैं। ट्रैक पे पहुंच चुके हैं, ट्रैक के अंदर एंटर होते साथ आपको यहाँ पे फ्रेश डाला नजर आता है। साथ में जी आपको यहाँ पे 2 बैरियर नजर आते हैं। DH पुलिस वाले जी यहाँ पे बैठ के फुल टाइम लंबे पैक इंजॉय कर रहे हैं। हम जरा अभी एंट्री मारेंगे। पूरे का पूरा जो ट्रैक है वो जी सुनसान होया है, ना बंदा है ना बंदे की जात। गड्डी अगे अगे ते डाला पीछे पीछे, कोई गाड़ी आती है नहीं कि डाला आपके पीछे पै जाता है। यहाँ पे भी 2 बैरियर लगे हुए हैं और DH आए, सिक्योरिटी वाले यहाँ पे भी खड़े हुए हैं। देखो जी ये सारे के सारे लोग यहाँ पे गाड़ियाँ ढकने के लिए रुके हुए हैं। जैसे कोई गाड़ी आती है बैरियर ही उसके आगे कर देते हैं और फिर जो बंदा होता है उसके साथ ही फुल टाइम ये चंडो चंडी हो जाते हैं। आजकल ये DH पुलिस वाले भी फुल टाइम ही यहाँ पे फ्रीडम फाइटर बने हुए हैं। और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।